गुड मॉर्निंग दोस्त। पता है कि दिल्ली अर्जेंटली आने मॉर्निंग का। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तो मैं उठा हूँ आधे घंटे पहले, यानी कि थोड़ा सा लेट हो चुका था, 5:30 बजे, और 6:45 बजे हमारी स्कूल की गाड़ी निकलती है जाने के लिए। तो देखिए अभी अचानक क्या हुआ कि गाड़ी जो है कभी खड़ी। बार का व्यू है, यहाँ लेक्सी बैठी हुई है, और ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब अचानक जब आए, गाड़ी निकलने का समय आया तो देखिए कि गाड़ी का पहला ये इधर का चक्का जो है कि पंचर हो गया है, और फिर ये जो है कि बेचारे जल्दी जल्दी इसको कसना शुरू किए। अब ये जो है कि कस रहे हैं, लेकिन ऐसा करते करते लगभग 20 मिनट लग गया, और इस तरह से 20 मिनट जो है कि गाड़ी क्या हो गई, लेट हो गई। तो एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्कूल को चलाने में, गाड़ी से लेकर के और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो देखिए अब ये बेचारे लेट हो चुके हैं, अब फिर जो है कि जाएंगे, उधर से आएंगे, और मौसम देखिए, मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से है, बादल बहुत जबरदस्त लगा हुआ है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कि ये अभी बस बूंदाबांदी अभी तो बस शुरू नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आगे, कई दिन ऐसा भी होता है कि गाड़ी स्कूल की जाती है और पता चलता है कि उधर बारिश होने लगी, कोई बचा ही नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, और फिर वैसे ही गाड़ी खाली लौट करके चली आती है। तो अब देखते हैं कि ऊपर वाले की क्या महिमा है। तो दोस्तों ये है भूमि आंवला, और मैंने इसको रखा अपने पास, ये देख सकते हैं इस तरह का पेड़ होता है, दिखाओ। और ये जो है ना कि इस तरह का जो है कि इसमें देखिए ये आंवले जैसे छोटे 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 आंवले जैसे मैंने इसमें बना रहता है, थोड़ा जूम करके दिखना है ये। तो ये छोटे छोटे जो है कि देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो होता है ना इसको भूमि आंवला कहते हैं, और ये बहुत जबरदस्त जड़ी होती है, और ये ईश्वर का मतलब कि या प्रकृति का कहें बहुत बड़ा अनूठा उपहार है। और इसको अगर हम जो है कि या तो इसका जूस बना करके थोड़ा सा चम्मच में लेकर के 1 चम्मच के आसपास अगर लेते हैं तो हमारा लीवर का फंक्शन और हमारी पेट की पूरी व्यवस्था अच्छी हो जाती है, और खास करके बरसात के दिनों में ही उगता है। तो मैं इसी को अभी, मैं तो ऐसे नहीं पीऊंगा, मैं इसको उबाल देता हूँ और इसका काढ़ा बना लेता हूँ, और ले जाऊंगा तो इसको उबाल दूंगा, उबाल करके इसका काढ़ा बना लूंगा। काढ़ा का मतलब है कि वही कसायम जो मैं पीता हूँ, तो दो दो दिन करके मैं अलग अलग पीता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार 2 दिन जो है कि इसीलिए मैं रखा था कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो साफ जगह पर है, तो मैं 2 दिन इसको उबाल करके पीऊंगा। तो आज का कसायम इसी का होगा हम लोगों का। तो आप लोग भी इस तरह का यूज कर सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि देखिए इस तरह का ये पौधा होता है, एकदम इस आंवला के जैसे देखिए छोटे छोटे फल आ जाते हैं, इसीलिए इसको भूमि आंवला कहा जाता है। थोड़ा सा कसाव टाइप का होगा, और चूंकि ये बहुत इफेक्ट है इसका बॉडी के ऊपर, तो इसलिए मैं आज का कसाय में यही बनाऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए दिन में और क्या क्या होगा। गुलरी का फूल आ गया। अरे हम लोग पनिया गिरा देंगे, रुक जाओ। खोल दे। हाँ? खोलो तो उसको लेकर के तुरंत निकल जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों इसको देखिए कितना लंबा हो रहा है, कुछ इसकी प्रजाति दूसरी है, तो इसको हम इनको हमें बांध करके सबको जो है कि लंबा करना है और ऊपर ले जाना है इनको। इसको भी ऐसे बांधना है, इसको भी ऐसे बांधना है, ताकि जो है कि इसको बांध देने पर ना ये देखिए बीच में लोग इसको गाड़े हैं तो ये अच्छा सा जो है कि मतलब कि हो जाएगा और ऊपर चल करके पूरा फल देगा ये जो है कि। तो इसीलिए आज इसकी सेवा में लगे हुए हैं,
एक्चुअली मेरा मन जो है ना कि पौधों के साथ ज़्यादा रमता है, और इसीलिए मैं जो है कि आज टाइम निकाला हूँ इसको थोड़ा करने के लिए, तो मैंने इनको एडजस्ट किया। अब इसमें मेरी खाद उद पड़ेगी अलग से इसमें थोड़ा सा, तो अच्छा हो जाएगा जो है कि। तो अभी हम लोग थोड़ी सी इसमें खाद डालेंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये कंपोस्ट है जो है कि, तो इसमें सभी ले चल करके मैं उन पौधों में डालूंगा, इतना ही डालूंगा, थोड़ा सा और ले रहा हूँ। कहाँ से मंगाए थे? और अमेजान से मैंने मंगाया था जो है कि। और इस तरह से ये जो है ना कि जो वो बर्मी कंपोस्ट इसको बोलते हैं, ये बर्मी कंपोस्ट खाद है, और ये बर्मी कंपोस्ट खाद जो है ये इस तरह से है, जो अर्थवाम से यानी केचुआ से बनती है। और ये कुछ इस तरह की है, देखिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, शायद दिखाई दे रही है उधर से, देखिए एकदम भुरभुरी है, इस तरह की है जो है कि। और इसको डालेंगे इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस सब कुछ इसमें होगा, तो अभी इसको ले चल के थोड़ा डाल देंगे सब में, तो पौधे हमारे जो है काफ़ी मजबूत होंगे। डालूंगा इसमें भी, मुझे डालना है। और इस तरह से इसमें भी सेवा हो गई, पानी इसमें पड़ेगा तो ये शानदार ग्रोथ कर जाएंगे। तो आज मैंने इनकी व्यवस्था कर दी, फिर जो है कि जैसे जैसे बड़ा होगा देखते रहेगा, अलग अलग ब्लॉग में लेकर के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बड़ा जाता है, यहां तक तो मैं भी ले चल रहा हूँ, और किस तरह से इसमें फूल आते हैं फिर क्या होता है। तो बने रहिए, देखते रहिए, और कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट भी करिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। देखिए गुड मॉर्निंग हमको कर रहे हैं, आकर परेशान किए, लिप 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 लिप। तो बने रहिए, देखते रहिए, चलिए। सो फ्रेंड, तो तुलसी पत्ते का कसान पी रहे हैं हम, लाडू बिल्कुल हट ही नहीं रही है। सर का फोन आया है वहाँ से, क्या हो रहा है? अब फिर नहा धोआ कर तैयार होंगी या कुछ ब्रेकफास्ट बनेगा, देखे क्या हो रहा है। तब तक कसाइन पी लूँ, और बने रहिए, देखते रहिए, आज चेकअप है क्या हो रहा है। तो जाऊँगी तो फिर आपको मिलने को दिखाऊंगी। सो फ्रेंड, तो हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए और रेडी हो चुके हैं, हॉस्पिटल में दिखाने का टाइम हो गया। लाडो परेशान है क्योंकि इनको अकेले छोड़कर जाना पड़ेगा, आगे पीछे हुई हैं, और हम लोग निकल रहे हैं, और देखते रहिए, बने रहिए, क्या क्या हो रहा है। अब मम्मी को, जैसे आप लोगों को पता है कि दिल्ली अर्जेंटली आने का मकसद क्या है, क्योंकि इनको थोड़ा सा कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, तो हम लोगों को उस रिपोर्ट को डॉक्टर से, यहाँ अच्छे डॉक्टर्स अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके थोड़ा सा डिस्कस करना है कि आखिर क्या इसका रिजल्ट आएगा, कैसे हम लोगों को आगे मैनेज करना है। तो अब यहाँ मेरे साथ लाडू रहती है, अब ये देखिए एकदम परेशान है क्योंकि ये एकदम अकेली पड़ी हुई है, कि अब इनको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर आइए चलते हैं आज की जर्नी यहाँ से, दिल्ली से, नोएडा से, हम यहाँ से हम दिखाएंगे, और बलिया तक पापा है ही आप लोगों को, तो दोनों चीजें एक साथ कम्बाइंड होकर आप लोग एक ब्लॉग में देखने को मिलेगी। आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत हो रही है, तो हम लोग का सपोर्ट बनाए रखिए, इन लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलिए माँ,
तो देखिए अब हम लोग लक्ष्मी हॉस्पिटल से आ गए हैं। पहले देखिए क्या आ रहा है, गए ऑर्डर करने बताए नहीं, सरप्राइज है, बने रहिए देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। रात हो चुकी है और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा प्लग यहाँ से और जो है कि वहां से रन चुका है। कि यहाँ पर मैं क्या किया, तो मैं तो भाई टमाटर को सीधा करता ठीक है। और भाई रंजू तो वहां गई, तो डॉक्टर के यहाँ दिखाई, तो दिखाने के बाद जो है कि काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहां से, तो बहुत खुश हुए, हम भी लोग खुश हुए। इसलिए आज मुझे भी हंसी आ रही है क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता और उसने बड़ा हेल्प किया हम लोगों का। तो अभी तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है कि नहीं ठीक है, दवा चलाया जाए, और फिर एक कल रिपोर्ट वहाँ जांच हो रहा है, फिर आ जाएगा, तो फिर जैसा होगा वैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ठीक है, जो भी है तो हंसा जाए, क्या दिक्कत है जो है कि। तो भाई मैंने तो टमाटर ही बांधता रहा और ब्यूटी देखिए क्या, और कहाँ से कहाँ घूमाई और क्या क्या कर ली भाई। तो भाई अंत में बस यही कहना चाहेंगे हम लोग कि बस मैं तो यही कहूंगा यहाँ से कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और हर पत्नी पति का ध्यान रखें, और हर जो है कि जो भी बड़े लोग हैं वो बच्चों पर बहुत ही स्नेह और प्यार करें, और जितने भी बच्चे हैं जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हों, सभी लोग अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें और उन पर ध्यान दें, उनकी सेवा करें। अगर ऐसा करेंगे तो लाइफ यूनिक होगी। और अंत में और हाँ ये जरूर बताइएगा, जैसे बिटिया रानी तो उधर खा रही है, अब इधर मैं जो है कि हूँ तो मैं इधर से ले रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ सॉरी। तो ब्लॉग कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आगे और भी ब्लॉग बनते रहेंगे और हम लोगों की मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, बिटिया रानी हमको सिखा रहे हैं कि बोलिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि।